होती है। वायुमंडलीय दाब की कितनी पेटी? 7 पेटियां होती है वायुमंडलीय दाब की। देखिए ये बीच वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि यह भूमि के बीचों बीच से जाती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूगोल की भाषा में इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा कहेंगे। हिंदी में हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इक्वल पार्ट में बांट रही है, इसलिए इसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वल पार्ट में बांट रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे। भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा चमकती रहती है, जिस वजह से यहाँ गर्मी बहुत पड़ता है। सूर्य की किरणें ज्यादा पहुंचने के कारण यहाँ पे गर्मी क्या होता है? ज्यादा। इससे 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो विषुवत रेखा के आसपास का कोई भी आदमी होगा एकदम करियट्ठा होगा। जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी या नीचे बढ़ जाएंगी? गर्म होकर हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, और अगर हवाएं क्या होती, गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। कोई भी हवा अगर इसमें एंट्री करेगा ना, तो गर्म हवा होकर क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। अब ये 5 डिग्री की बात कर रहे हैं। कितना डिग्री? 5 डिग्री। यानी दोनों के बीच में कितना डिग्री? 10 डिग्री। 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी टोटल डिस्टेंस 10 डिग्री। कितना डिग्री? 10 डिग्री। और 1 डिग्री होता है 111 किलोमीटर का। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? जुड़ा करो, 1110 किलोमीटर। तो ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, कितना एरिया है? 1110 किलोमीटर। कितना है? 1110 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1100। तो छोटा मोटा एरिया मत समझ, अगर इसमें हवा जाएगा तो 10-15 किलोमीटर अंदर जाते 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 1110 किलोमीटर है जी। 10 से गुणा करो ना, इसमें 10 का गुणा का मतलब बस अगवा को 0 लिख दिया जाता है। 1110 किलोमीटर का ये चौड़ा एरिया है, छोटा मोटा नहीं है, हम बना दिए इसे कलम से इतनी चुकी, तो मत समझना ना हवा आर पार हो जाएगी। 1110 किलोमीटर बिहार से दिल्ली 1100 किलोमीटर। इसमें अगर हवा प्रवेश करती है तो गर्म होकर हवाएं क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से यहाँ हमेशा हवाओं की कमी होती है। हवाएं खत्म नहीं हो जाती, हवाओं की कमी, यानी अगर कोई हवा खूब स्पीड से भी अगर इसके अंदर आए तो गर्म होकर क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। क्योंकि 1110 किलोमीटर बहुत होता है, 10 किलोमीटर हवा चलते 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 जैसे एंट्री करेगी गर्म होकर क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ हवाएं क्षैतिज रूप से ऐसे नहीं चल पाती है, एंट्री तो मारती है लेकिन गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ बीच में हवाएं नहीं चलती है, इस वजह से यहाँ आंधी तूफान चक्रवात ये सब कुछ भी नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत तो बताइए। 5 विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे हवाएं तेज चलेंगी या धीमी? धीमी। हवाएं एकदम धीमी चलती है, और यहां पर चक्रवात आंधी तूफान आएगा, जिस वजह से यह एरिया शांत रहता है। क्या रहता है? शांत। इसलिए इसे हम शांत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? शांत क्षेत्र कहेंगे। शांत क्षेत्र को हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। शांत क्षेत्र को हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। तो बताइए डोल्ड्रम कितना डिग्री ऊपर नीचे? 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, क्या पाया जाएगा? डोल्ड्रम। तो डोल्ड्रम ज्योग्राफिकल भाषा है। हिंदी में डोल्ड्रम का अर्थ क्या होता है? शांत क्षेत्र। हिंदी में क्या कहेंगे? शांत क्षेत्र। यहाँ आंधी तूफान चक्रवात आएगा तो विषुवत रेखा के पास आंधी तूफान चक्रवात नहीं आता। लेकिन हम आपसे पूछते हैं डोल्ड्रम अर्थात शांत क्षेत्र में हवाओं का प्रेशर ज्यादा या कम? हवाओं का प्रेशर कम। तो हालांकि ये जो लो प्रेशर है ये 10 डिग्री से ही चालू हो जाता है। लो प्रेशर कहां से चालू हो जाता है? 10 डिग्री से। लेकिन 10 डिग्री तक में शांत क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि हवाएं प्रवेश कर जाती हैं कहां पे? 10 डिग्री में। लेकिन जब वो 5 डिग्री तक पहुंचती हैं तो कंप्लीट गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। इधर से भी हवाएं आंधी तूफान प्रवेश कर जाता है 10 डिग्री को क्रॉस करते करते 8, 9, 7 ऐसे पहुंचते, लेकिन जब 5 डिग्री तक पहुंचता है तब इतना गर्म हो गया है कि ऊपर उठ जाता है। तो जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर हवाओं का कम दाब यानी लो प्रेशर 10 डिग्री से ही चालू हो जाता है। लो प्रेशर कहां से चालू होता है? 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण। लेकिन डोल्ड्रम बनता है 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण। डोल्ड्रम बनेगा 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, और लो प्रेशर बनेगा 10 डिग्री उत्तर। लो प्रेशर यानी डोल्ड्रम हो गया या लो प्रेशर हो गया, इसका कारण यही है कि गर्मी के कारण हवाओं का बिखर जाना और वहां से अगल बगल के डायरेक्शन में चला जाना या ऊपर की ओर उठ जाना। तो हवाएं गर्म होकर कहां उठ जाती हैं? ऊपर की ओर। हवाएं गर्म होकर क्या हो जाती है? ऊपर की ओर उठ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है?
हमेशा गर्मी रहता है, कभी ठंडा नहीं रहता, इसीलिए तो आदमी झोंसा जाता है। ये आपका जीरो डिग्री, ये आपका जीरो डिग्री। अब यहां से हम 10 डिग्री ले लेते हैं, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे। ये कौन सा एरिया है? डोल्ड्रम, लो प्रेशर। कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। डोल्ड्रम कितने डिग्री? 5 डिग्री। 5 डिग्री उत्तर दक्षिण क्या होगा? डोल्ड्रम। अब 10 डिग्री उत्तर नीचे लो प्रेशर, 5 डिग्री, 10 डिग्री लो प्रेशर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? इस एरिया में गर्मी पड़ेगा कि नहीं? इस एरिया का आदमी देखिएगा एकदम झोंसले झोंसर मिलेगा, अफ्रीका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सब एरिया में सबका सब क्वेश्चन मिलेगा मुझौंसा। यहाँ एक के साथ पे गोरा होइएगा जब पहाड़ आ जाए तब, क्योंकि पहाड़ पे जब जाते हैं तो टेम्परेचर घट जाता है। तो विषुवत रेखा पे अगर गोरे होंगे तो एक के साथ क्या होना चाहिए? पहाड़, क्योंकि वहां टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में टेम्परेचर घट जाता। आगे बढ़े, बताइए 10 डिग्री उत्तर नीचे को लो प्रेशर, 10 डिग्री ऊपर नीचे को लो प्रेशर। इस लो प्रेशर में सबसे कम लो प्रेशर डोल्ड्रम में, डोल्ड्रम में कहां पे याद रहेगा? डोल्ड्रम, डोल्ड्रम 5 डिग्री या 10 डिग्री? और लो प्रेशर 10 डिग्री, डोल्ड्रम 5 डिग्री। हवाएं यहां से गर्म होकर कहां उठ गई थी? ऊपर। लेकिन जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी थी तो आपको पता है कि हवाएं जब गर्म होकर ऊपर जाती है तो वायुमंडल में 165 डिग्री की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। टेम्परेचर में जब 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी तो जो हवाएं यहाँ गर्म होकर ऊपर उठी थी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगी वो ठंडी होने लगेंगे। गर्म होने के कारण ऊपर उठी या ऊपर जितनी उठेंगी क्या होगी? ठंडी होने लगी। जब गर्म हवाएं हल्की थी तो ठंडी हवाएं भारी हो जाएंगी। तो हवाएं जो यहां से गर्म हुई थी वो ऊपर जितना ऊंचाई पे जाएगी तो ऊंचाई पे जाने के कारण क्या हो जाएगी? ठंडी। क्या हो जाएंगी? ठंडी। और ठंडी होने के कारण, ठंडी होने के कारण भारी हो जाएंगे, फिर वापस उतरने लगेंगे। तो जो हवाएं 10 डिग्री के लो प्रेशर से गर्म होने के कारण ऊपर उठी थी, ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे ठंड के कारण फिर वापस नीचे आने लगती है। वापस क्या आने लगती है? नीचे आने लगती है। वापस क्या जाएगी? नीचे। अब वापस जब नीचे आएगी तो फिर कितने डिग्री पे गिरेगी? 10 डिग्री या 5 डिग्री? 10 या 5? बकलोलो, पृथ्वी रुकी नहीं है। अगर पृथ्वी रुकी रहती तब ना 10 डिग्री से गया है, 10 डिग्री पे वापस आता। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तब ये 10 डिग्री पे नहीं उतरता। धीरे 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 उतरता तो तब पृथ्वी घूम जाती है, 30 से 35 डिग्री पे उतरता है। कितने डिग्री पे उतरता है? 30 से 35 डिग्री, कुछ ऊपर कुछ नीचे। 30 से 35 ऊपर और 30 से 35 नीचे, 30 से 35 ऊपर और 30 से 35 नीचे। बताइए हवाएं नीचे क्यों उतरी थी? हवाएं नीचे क्यों उतरी थी? भारी होकर नीचे क्यों उतरी? भारी होने का हवाएं नीचे उतर गया। हवाएं कितने डिग्री पे नीचे उतरी? 30 से 35। ऊपर में भी 30 से 35, नीचे में भी 30 से 35, क्योंकि ऊपर में भी 90 डिग्री ऊपर है और 90 डिग्री नीचे है। तो ऊपर में 30 से 35 ऊपर उतरी और 30 से 35 नीचे उतरी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। आप बताओ जब 30 से 35 डिग्री के पास प्रेशर हाई होगा या लो? कितने लोग कहता हाई? हाई नीचे करो। कितने लोग कहता लो प्रेशर? लो। जितना करमफोर है सब लो प्रेशर वाला। ये बताओ गधा और गधई सब, तुम लोग ध्यान से देखो। ये बताओ 30 से 35 में तो ऑलरेडी हवा थी, ऑलरेडी तो हवा थी, और ये एक्स्ट्रा जो यहां से उड़ा है और जाके उतर गया वहां पर, तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी था, ये दिया कि उतर गया। किसी मोटरसाइकिल पे दो आदमी बैठा ले और जाके बैठ जाए तो प्रेशर घट कैसे जाएगा? बढ़ ना जाएगा जी। तो 30 से 35 डिग्री पे हाई प्रेशर। लाइव वाला सब सही जवाब दे रहा है सब। ये अब सीरियस हो गया है सब, लाइव वाला सब एकदम सीरियस पड़ रहा है सब। ये सबको हम दो चार बार बोल ना दिए, डांट टोट दिए, एकदम सीरियस पड़ रहा है। और ये सब दिमाग नहीं लगा रहा सर, ये सोचता है सर। अच्छा रूप को बताते हैं, आधा विद्यार्थी लो प्रेशर बोला है, हाई बोलेंगे, आधा हाई बोला है, हम लो बोलेंगे। भीड़ में चलने की आदत नहीं। टॉपर कोई दिक्कत? प्रेशर क्या होगा? क्यों बता, हाई क्यों होगा प्रेशर? हाँ, वहां ऑलरेडी हवाएं थी और यहां की उठी हुई हवा क्या हो गई? नीचे उतर गई। तो हवाई के नीचे उतरने से प्रेशर हाई और ऊपर उठने से लो। हवा छोड़ के ऊपर चल गया तो लो प्रेशर।
तो 30 से 35 डिग्री में हाई प्रेशर, 10 डिग्री ऊपर नीचे लो डोल्ड्रम में भी लो, डोल्ड्रम में लो 10 डिग्री ऊपर नीचे लो, और 30 से 35 इसे हम लोग अश्व अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व अक्ष। अश्व ठीक लिखा है जी, हॉर्स लेटिट्यूड, हॉर्स लेटिट्यूड, अश्व मतलब घोड़ा, हॉर्स लेटिट्यूड अश्व अक्ष कहते हैं, और अश्व अक्ष कहते हैं। देखो कैसे, ये 30 से 35 डिग्री कहां होगा, ये रहा 30 से 35, ये रेखा कौन सी है 30 से 35, इधर में भी है 30 से 35, बताइए 30 से 35 और नीचे में भी 30 से 35, 5 डिग्री का डिफरेंस है। 5 डिग्री मतलब कितना किलोमीटर, 1 डिग्री में 1111 किलोमीटर, तो 5 डिग्री में लगभग 550 किलोमीटर, 555 550 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर का, 550 किलोमीटर। 1 डिग्री बराबर 1111 किलोमीटर होता है, हम ये कह रहे हैं 30 से 35 यानी कितने डिग्री का अंतर, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री बराबर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 555 किलोमीटर। तो हम जो छोटा सा एरिया लिखे हैं, ये छोटा एरिया है या 550 किलोमीटर का एक बेल्ट है, एक 550 किलोमीटर का क्या है, चौड़ा बेल्ट है। अब इसका नाम अश्व अक्ष क्यों हो गया है, पहले जहाज पानी वाली जहाजें चलती थी और पानी वाली जहाजों पर तिरपाल वगैरह लगा देता था, हवाओं की मदद से उसे आगे ले जाया जाता था, जहाजों के बड़े बड़े इंजन की खोज नहीं हुआ था, आदमी इसे ढकेल के ले जाता था और हवाओं में क्या लगा देता, तिरपाल लगा देता था, हवा ढकेलती थी तो वो जाता था। तो एक जहाज से एक बहुत बड़ा जहाज जा रहा था जिसमें घोड़ा लदे थे सब, घोड़ा का व्यापार के लिए ले जा रहा था, एक जगह से घोड़ा दूसरे जगह बेच रहा था, क्योंकि उस समय व्यापार संसाधन के लिए घोड़े का ही यूज होता था, घोड़ा लोग रखते थे यहाँ पर। तो घोड़े से भरा जहाज ले जा रहा था, तो पानी वाला जहाज यहाँ चल रहा था तो ठीक था, लेकिन पानी वाला जहाज जैसे इसमें गया ना, जैसे इसमें प्रवेश किया, लगा जहाज डोलने, जहाज क्या होने लगा, कांपने लगा। क्यों कांपने लगा, यहां से जो हवाएं उठी थी डोल्ड्रम और लो प्रेशर से, वो नीचे उतरने समय कहां उतरती है, 30 से 35 डिग्री, तो वहां हवाओं का क्या हो रहा था, प्रेशर, हवा दिखेगी तो है नहीं। अब वहां का समुद्र बड़ी अशांत था, लगा नाव ऊपर नीचे करने, अभी बकलोला ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था, सीधे भाग रहा था, अरे भागे इधर से बाहर तो सीधे भाग रहा था, फिर जहाज ऐसे 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 हिलने लगी, इसको लगा जा आज तो हम मरा जाएंगे। तो क्या किया ना, उसमें से कुछ घोड़ा नीचे फेंक दिया पानी में, बेचारा घोड़ा मर गया, उसको लगा जहाज का लोड ज्यादा है, जहाज को हल्का करना जरूरी है, घोड़ा फेंक दिया नीचे, और फिर भी बकलोलवा आगे भाग रहा था, फिर नहीं शांत हुआ, फिर घोड़ा फेंका नीचे, करते करते ना सब घोड़ा फेंक दिया, घोड़ा का चारा बोरा सब फेंक दिया, फिर भी जहाज शांत नहीं हो रहा था, शांत होगा कभी, क्या है हा? हाई प्रेशर के कारण। और धीरे धीरे फिर यहां इत्तेफाक से बाहर निकल गया, इसे शांत हो गया, जैसे बाहर निकला ना तो जहाज क्या हो गया, शांत हो गया, इस बेल्ट से बाहर निकला तो जहाज क्या हो गया, शांत। कहा कि ओहो आज बच गए हम, अगर घोड़ा नहीं फेंके रहते तो मरिए जाते, घोड़ा नहीं फेंके रहते तो मरिए जाते। जाके बताया भूगोल वेताओं को, बच के आए हैं, दिमाग लगाए हम, बहुत घोड़ा खरीदाएगा, घोड़ा फेंक के हम अपनी जान बचाए हैं। तो भूगोल वेताओं ने कहा कि रे बकलोलवा 8 बजे से फाउंडेशन चलता है, नहीं कर लेना चाहिए, नहीं समझ में, क्लास नहीं किया था। तो उसको समझाया सब भूगोल वेता कि जो यहां से 10 डिग्री उत्तर नीचे का एरिया है, जो यहाँ हवाएं गर्म होकर गई हैं, वो यहाँ नीचे उतर रही होती हैं, जब नीचे उतर रही होती हैं तो समुद्र को ऐसे ऐसे कपा देती है, तो वहां समुद्र हमेशा रफ हो जाता है, लेकिन यहाँ घोड़ा वाली घटना हो गई थी, इसलिए इस अक्ष को घोड़ा वाला अक्ष अर्थात अश्व अक्ष या हॉर्स लेटिट्यूड कहते हैं। अगर यहाँ कुकुर फेंका रहता नीचे तो कुकुर हवा अक्ष, नहीं समझे, हाथी फेंक ले जाता गज अक्ष, हाथी को गज बोलते हैं, गज अक्ष, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिखा गधा फेंका रहता तो गधा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे तो घोड़ा वाली घटना हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा गया अक्ष। तो बताइए 10 डिग्री ऊपर नीचे में लो प्रेशर, 30 से 35 डिग्री हाई, विषुवत रेखा के पास लो या हाई, लो,
विषुवत रेखा से उड़ी हुई हवा कहाँ उतरती है? 30 से 35 डिग्री में हाई प्रेशर का कारण क्या? हवाओं का नीचे उतरना। कितनी वायु दाब की पेटियां हैं? बीचों बीच में विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न दाब की जो पेटी है बाबू, ये 10 डिग्री ऊपर से 10 डिग्री नीचे तक है। इसी का एक हिस्सा है डोल्ड्रम, 10 डिग्री ऊपर से 10 डिग्री नीचे, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, लो प्रेशर, इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का कारण है कि गर्मी के कारण हवाओं का ऊपर उठ जाना, गर्मी के कारण हवाओं का ऊपर उठना, यह मुख्य कारण है किस चीज का? लो प्रेशर का। इसी लो प्रेशर के अंडर आता है डोल्ड्रम, इसी लो प्रेशर के अंडर में क्या आएगा? डोल्ड्रम आएगा। क्या आएगा? डोल्ड्रम आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? डोल्ड्रम कोई एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, बल्कि इक्विटोरियल लो प्रेशर अर्थात विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी का बीच का ही हिस्सा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इन की वायुमंडलीय दाब की पेटी में एक डोल्ड्रम भी गिन दे। डोल्ड्रम स्वतंत्र रूप से नहीं है, बल्कि विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी का ही वह एक हिस्सा है। 10 डिग्री से 10 डिग्री नीचे क्या आता है? विषुवत रेखीय निम्न दाब। निम्न दाब का कारण है यहां का हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठ जाना। जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, क्योंकि क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। टेम्परेचर में कितने डिग्री सेल्सियस की गिरावट है? 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। कितने ऊंचाई पर? 65 मीटर। तो जितने ऊंचाई पर जाते जाएगा टेम्परेचर में गिरावट आएगी और हवा ठंडी हो जाएगी, और उसके बाद वापस क्या होगी? हवा नीचे उतरेगी। तो हवा कहां आएगी? नीचे उतरेगी। नीचे उतरने के कारण जहां ये उतरेगी वहां हाई प्रेशर बना देगी। कल हम आपको पढ़ा दिए थे ये 30 से 35 डिग्री पर नीचे उतरती है, जिसे हम अक्ष या हॉर्स लेटिट्यूड कहते हैं। ये कितने डिग्री पर जाती है? 30 से 35। कितने डिग्री पर? 30 से 35 डिग्री। नीचे में भी 30 से 35, नीचे में भी 30 से 35 नीचे, और 30 से 35 ऊपर। आप समझो ध्यान से, जो पोल एरिया है, ध्रुव एरिया है, ये यहां हमेशा ठंड पड़ता है। पोलर एरिया में हमेशा क्या पड़ेगा? पोलर एरिया में हमेशा क्या पड़ेगा? अब आप बताओ बाबू, ठंड पड़ने के कारण यहां टेम्परेचर हाई होगा या लो? अरे कदा टेम्परेचर वाला लो ना होगा तब ना ठंड। टेम्परेचर क्या रहेगा? लो। टेम्परेचर लो होगा, हवाएं भारी या हल्की? हवाएं दूर दूर या पास पास? तो हवाएं पास पास होके कहां आएगी? नीचे आ जाएगी। अब प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। तो विषुवत रेखा पे प्रेशर क्या हो जाता है? हाई। इसके हाई प्रेशर का कारण ठंड, और यहाँ लो प्रेशर का कारण गर्मी। लो प्रेशर का कारण गर्मी, और यहाँ हाई प्रेशर का कारण हवाओं का नीचे उतरना। हवाओं का नीचे उतर, विषुवत रेखीय निम्न दाब का कारण क्या है? हवाओं का अत्यधिक गर्मी। अक्ष पे हाई प्रेशर का कारण हवाओं का नीचे उतर। ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पे हाई प्रेशर का कारण ठंड। दोनों ध्रुवों पे हाई प्रेशर का कारण ठंड, भयानक ठंड पड़ता है। इतना प्रेशर हाई होता है यहाँ पर, बहुत हाई प्रेशर रहता है। समझ आ गया कि नहीं आएगा? और टेम्परेचर एकदम माइनस में चला जाता है, -50 -30 ऐसे चला जाता है, एकदम हमेशा बर्फ जमा रहता। आप लोग अगर चाहिए तो अंटार्कटिका घूमने जा सकते हैं। अंटार्कटिका में घूमने क्या हो सकता है? जा सकते हैं। आगे बढ़े तो बताओ, यहाँ हाई प्रेशर का कारण, हाई प्रेशर का कारण अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक ठंडा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये बताओ, हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी? हवाओं की उत्पत्ति जो होती है, अपने से सोच के देखो, हाई प्रेशर से होती होगी या लो प्रेशर से? किसे? हवाएं कहां से चलेंगी, हाई से या लो से? देखो बबनी करिए, लो से। एक बात बता, पानी किधर से डगरेगा, हाई से लो या लो से हाई? हवा भी कैसे चलेगा? हाई से लो। वोल्टेज भी कैसे जाएगा? हाई से लो। नहीं समझेगा? जैसे पोल पे है 440, घर में 220 वोल्ट, तो हमने पोलवा से इस पे चलाता है, तुम्हारे घर में रहेगा 420 वोल्ट, अब पोलवा पर रहेगा 120, तुम्हारे घर का बिजली चल जाएगा पोल पे। जिधर वोल्टेज हमेशा उसी में जाता है ना, फ्लो ही है। वोल्टेज भी क्या, एक तरह का फ्लो दिखा रहे हैं आप, वापस चल जाएगा वहां से घर में कुल बिजली। लेकिन घर में बिजली आएगा कैसे? हाई पॉसिबल ही नहीं ना कि पोल का कम हो आपके यहाँ ज्यादा हो। इसका मतलब घर में तुम बिजली घर लगाया। तो यहां से हवाएं जब चलती हैं इधर, और कुछ हवाएं उस साइड भी जाती है, तो पृथ्वी गोल है ना, ऐसे ऐसे पृथ्वी का ऐसे स्पेरिकल है, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, तो हमको तो एक ही डायरेक्शन का दिखेगा। हमको किस डायरेक्शन के दिखे? ये हाई प्रेशर है,
यहां से भी कुछ हवाएं ऊपर जाती होंगी, कुछ नीचे आती होंगी। ये भी हाई प्रेशर है, कुछ हवाएं जाती होंगी, कुछ नीचे जाती होंगी, नीचे उस साइड में चली जाएगी पृथ्वी के उस साइड में, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये हाई प्रेशर है, हवाएं नीचे भी जाती हैं, हवाएं ऊपर भी जाती हैं। जो हवाएं विषुवत रेखा की ओर आएंगी वो 10 डिग्री में तो एंट्री कर जाएंगी, लेकिन वो एंट्री तब तक ही कर पाएंगी जब तक वो डोलड्रम तक नहीं पहुंची। जैसे वो डोलड्रम तक पहुंचेंगी फिर गर्म होके ऊपर उठ जाएगी, अब वापस गिर जाएगी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की वो हवाएं जो डोलड्रम की ओर आएंगी वो विषुवत रेखा की ओर तो चली जाएंगी, 10 डिग्री वाली बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगी, लेकिन जैसे डोलड्रम तक आएंगी इतनी गर्म हो गएंगी वापस गर्म हो गए ऊपर चली। इसका तो हम निपटा दिया। लेकिन जो हवा ऊपर की ओर आ जाएगी उसको ऐसा कोई गर्मी देखने को नहीं मिलेगी, तो इन हवाओं को कोई भी गर्मी चीज देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम बात कर रहे हैं इन हवाओं को, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको तो आप देख चुके हैं, इसको तो देख चुके हैं, इनका अंत होने वाला है डोलड्रम पे, ठीक है। ये हवाएं चलेंगी, इन्हें रोकने वाला कोई है? अच्छा, जो इधर से भी जो हवाएं चल रही है इन्हें रोकने वाला कोई है? लेकिन देखो ये सोच रहा दोनों आपस में टकरा जाएंगे, सब दिख रहा है कि नहीं? आगे आने वाले समय में ये दोनों हवाएं आपस में टकरा जाएंगी। जो जो अश अक्ष से हवाएं गई हैं ऊपर की ओर और जो ध्रुवों से आई हैं, वो एक समय आएगा जो कहीं ना कहीं आपस में टकराएंगे, कहीं ना कहीं आपस में टकराएंगे। तो जहां ये टकराती हैं वो टकराती हैं 60 से 65 डिग्री पर। कहां टकराएगी? 60 से 65 डिग्री। और नीचे भी कहां टकराएगी? 60 से 65। नीचे भी कहां टकराएगी? 60 से 65। आगे बढ़े, बताइए ये दोनों कहां टकरा जाती हैं? 60 से 65। अब जब ये दोनों टकराएगी 60 से 65 डिग्री पर, 60 से 65 डिग्री पर, तो टकरा के हवाएं क्या होती है? ऊपर उड़ जाती है। टकरा के क्या हो जाती है? ऊपर। टकरा के ऊपर उड़ जाएगी। जब टकरा के ऊपर उठेगी तो 60 से 65 डिग्री के पास जहां हवाओं का अधिसरण हो रहा है, अर्थात टकरा के क्या हो रही है? ऊपर उठ रही है। तो जब टकरा के ऊपर उठ रही है तो यहां हवाओं का लो प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां भी क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। क्यों लो प्रेशर होगा? समझ में आएगी आपको? टकरा के अगर नीचे बैठ जाती तो हाई प्रेशर होता, लेकिन टकरा के कहां उठ रही है? ऊपर। इसलिए क्या हो जाएगा? हाई लो प्रेशर। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। समझ में आ गया? अब तुम देखो ध्यान से, गौर से गिनो कितने वायुमंडलीय दाब की पेटियां हैं। एक ये हो गया, तीन गो ऊपर, तीन गो नीचे, एक दो तीन नीचे, एक दो तीन ऊपर, और एक ये वाला एरिया डोलड्रम वाला। कितनी वायुमंडलीय दाब की पेटियां? वायुमंडलीय दाब की कुल कितनी पेटियां सर? 7 है। कितनी है सर? 7 की उत्पत्ति का कारण समझ में आ गया। हम आपसे पूछेंगे तो बताइए तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी का कारण? अरे लो प्रेशर का कारण। विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी बनने का कारण अत्यधिक गर्मी। अश अक्ष पे हाई प्रेशर का कारण हवाओं का नीचे उतरना। ध्रुवीय उच्च दाब का कारण अत्यधिक ठंड। ध्रुव से पहले उप ध्रुव, जैसे राष्ट्रपति से पहले उप राष्ट्रपति, कप्तान से पहले उप कप्तान, उसी तरह ध्रुव से पहले उप ध्रुव। तो उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब, उप ध्रुवीय निम्न दाब का कारण क्या है? हवाओं का टकरा कर ऊपर उठना, गर्मी से ऊपर उठना नहीं, टकरा। देखो यहां भी हवाएं ऊपर उठी थी बट वो गर्मी कारण उठी, और यहां जो हवाएं उठी है टकरा कर। कैसे उठी है? टकरा कर ऊपर उठी है।